तो भाई आज की ये वीडियो आपने से काफी सारे व्यूअर्स के डिमांड पर आई है। मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे थे भैया कंपैरिजन कर दो OnePlus Nord 2T का Iconeos 6 से, या फिर बता दो हमें Iconeos 6 बाई करना चाहिए OnePlus Nord 2T बाई करना चाहिए। अब आपकी कंफ्यूजन जाया जाए बिकॉज दोनों ही स्मार्टफोन ना सिमिलर प्राइस के करीब आने वाले हैं और दोनों स्मार्टफोन अलग अलग ब्रांड की तरफ से कमाल के स्पेसिफिकेशन के साथ में आते हैं। जहां पर एक तरफ आपको OnePlus की ब्रांड वैल्यू मिलती है तो दूसरी तरफ आईको फोकस करता है अपने गेमिंग स्मार्टफोन्स पर। तो अब भाई ऐसे में आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होगा, आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना जहां पर हम ऑन पेपर कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट हो जाता है आपके लिए, जिससे आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। तो भाई अगर आप भी अपने पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। हे गाइस, मैं हूं सुयोम और आप देख रहे हो टेक हेल्पर सुयोम YouTube चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। भाई वीडियो को स्टार्ट करके सबसे पहले एक चीज बता देना चाहता हूं, यहां पर जो Iconeos 6 इंडिया के अंदर होने वाला है ना वो चाइनीज वेरिएंट से बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। बहुत सारे लोग चाइनीज वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट समझ के और काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे भाई इसके साथ ऐसा होगा वैसा होगा, जो कुछ बताने वाला वो बहुत ही रिसर्च के बाद कंप्लीट बताने वाला। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करके सबसे पहले अगर दोनों ही फोन के लुक बिल्ट और डिजाइन की बात करें, सबसे पहले वेट की बात कर लो, दोनों फोन आपको इक्वल वेट के करीब देखने को मिलेंगे। दोनों ही का वेट आपको 190 ग्राम के करीब देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी को लेकर तो जो OnePlus Nord 2T 5G स्मार्टफोन होगा ना, ये स्मार्टफोन आपको बहुत ही कमाल के बैक पैनल के साथ यानी प्रीमियम बैक पैनल के साथ ग्लास बैक के साथ मिलेगा और प्लास्टिक की फ्रेम मिलेगी। लेकिन भाई यहां पर डिसअपॉइंटिंग कि Iconeos 6 के साथ में आपको प्लास्टिक बैक मिलेगा, प्राइस कट करने के लिए ऐसा कर सकते हैं यहां पर। और भाई यहां पर आपको डेफिनेटली प्लास्टिक बैक के साथ में प्लास्टिक फ्रेम ही मिलने वाली है। यहां पर आपको दो इंटरेस्टिंग कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे और OnePlus के साथ में भी इंटरेस्टिंग कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल अगर बात करें दोनों फोन के बिल्ड की तो यहां पर OnePlus Nord 2T थोड़ा सा आगे निकलेगा ग्लास बैक की वजह से और भाई यहां पर Iconeos 6 एक प्लास्टिक बैक की वजह से थोड़ा सा पीछे हो जाता है। दोनों के डिस्प्ले की बात करें तो यहां पर डिस्प्ले वाइज ना डेफिनेटली एक वर्ड में बोलना चाहूंगा, जो Iconeos 6 का डिस्प्ले बहुत ही कमाल का है। सबसे पहले स्पेक्स सुन लो, आपको काफी कमाल के स्पेक्स देखने को मिलते हैं। 6.62 इंच की एक डिस्प्ले देखने को मिलती है, फुल HD प्लस रिजोल्यूशन का सपोर्ट है, एमोलेड पैनल है और भाई सेंटर में पंचोल कटआउट लगा हुआ मिलता है जो कि काफी अच्छा लगता है। 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है, 360 हर्ट्ज के टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट मिलता है, HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन है, 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाती है और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। और वहीं पर अगर OnePlus Nord 2T की बात करें तो यहां पर आपको थोड़ी सी छोटी साइज स्क्रीन मिलेगी Iconeos 6 के कंपैरिजन में। 6.43 इंच की डिस्प्ले है, फुल HD प्लस रिजोल्यूशन का सपोर्ट है, एमोलेड पैनल है, यहां पर भी आपको 120 हर्ट्ज नहीं बल्कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है। तो यहीं पर थोड़ा सा पीछे हो जाता है OnePlus Nord 2T, लेकिन यहां पर भी एमोलेड पैनल मिल रही है, यहां पर भी HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन होगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगी और ब्राइटनेस अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। लेकिन भाई एक वर्ड में अगर बोलना होना कि डिस्प्ले वाइज कौन सा फोन बेस्ट हो जाता है तो Iconeos 6 अपने हाई रिफ्रेश रेट की वजह से और यहां पर कलर्स वगैरह भी काफी अच्छे मिलते हैं अच्छी ब्राइटनेस के साथ में, Iconeos 6 थोड़ा सा आगे निकल जाता है। वहीं पर अगर बात करें दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस को लेकर तो गाइस यहां पर थोड़ा ध्यान से समझना, MediaTek Dimensity 1300 वाला चिपसेट मिल रहा है OnePlus Nord 2T के साथ में, जो कि एक पावरफुल चिपसेट है और पावर एफिशिएंट चिपसेट है, 6nm आर्किटेक्चर के साथ में आता है। वहीं पर Iconeos 6 के साथ में आपको Qualcomm Snapdragon 870 वाला पावरफुल चिपसेट मिल रहा है। अब अगर दोनों की परफॉर्मेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं Snapdragon 870 एक ज्यादा पावरफुल चिपसेट है, लेकिन ये 7nm आर्किटेक्चर के साथ में आता है। लेकिन भाई अगर बात आती है ना नॉर्मल लाइफ में गेमिंग को लेकर तो गाइस Snapdragon 870 एक ट्राइड एंड टेस्टेड चिपसेट है, काफी ज्यादा स्टेबल चिपसेट है और गेमिंग को लेकर अगर आप थोड़ा सा भी सोच रहे हो ना, आपको आंख बंद करके Iconeos 6 को लेना है। यहां पर आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी दे देगा, अगर आप वेरी हाई सेटिंग्स पर गेम प्ले करोगे ना तो आपको अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे, आपको यहां पर अच्छे FPS भी देखने को मिल जाएंगे गेमिंग के लिए, लंबे टाइम तक गेमिंग करोगे और हीटिंग भी बहुत ही हल्की देखने को मिलेगी, थर्मल अच्छे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भाई क्योंकि गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन होते हैं Iconeos के, तो यहां पर आपको जो हैप्टिक फीडबैक देखने को मिलेगा, जो वाइब्रेशन मोटर होगा वो भी थोड़ा अच्छा देखने को मिलेगा Nord 2T के मुकाबले। वहीं पर Nord 2T में भी परफॉर्मेंस तो अच्छी मिलेगी, लेकिन इस फोन के साथ में थर्मल थ्रोटिंग वाली इशू देखने को मिल रही है, क्योंकि भाई ये जो चिपसेट है ना उतना स्टेबल नहीं है और गेमिंग के लिए एक परफेक्ट चिपसेट में नहीं बोल सकता। इसके अलावा गाइस दोनों ही फोन में DDR4 RAM है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, तो रीड एंड राइट स्पीड दोनों फोन में इक्वल होगी। सॉफ्टवेयर को लेकर दोनों फोन की बात करें तो दोनों में एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा, लेकिन भाई यहां पर एक बड़ा डिफरेंस है कि भाई OnePlus आता है अपने क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के साथ में, जहां पर ऑक्सीजनOS 12.1 मिलता है और भाई काफी कमाल का UI है ऑक्सीजनOS अभी भी। और अगर Iconeos की बात करें तो Iconeos 6 के साथ में FrontTouchOS 12.1 मिलता है, जिसे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बहुत सारे इंप्रूवमेंट की जरूरत है अभी ऑक्सीजनOS के मुकाबले में। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस वाइज कहीं ना कहीं जीत जाएगा OnePlus Nord 2T, लेकिन जहां पर बात आएगी गेमिंग की, परफॉर्मेंस की, हाई परफॉर्मेंस की ना, अगर आप एक बहुत बड़े वाले गेमर हो, आपको गेमिंग मेन प्रायोरिटी है, आंख बंद करके Iconeos 6 स्मार्टफोन को बाय करना गाइस, सभी चीजों को नेग्लेक्ट करके। लेकिन गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि भाई किस फोन के अंदर 5G बैंड कितने देखने को मिल रहे हैं, तो भाई यहां पर जो Iconeos 6 स्मार्टफोन है इसमें थोड़े कम 5G बैंड देखने को मिलेंगे, 4 5G बैंड आपको इंडिया के लॉन्च के बाद देखने को मिलने वाले हैं। OnePlus Nord 2T की बात करें तो यहां पर अच्छे खासे 5G बैंड मिलने वाले हैं, परेशान मत हो, 7 से 8 5G बैंड मिनिमम मिल जाएंगे। लेकिन Iconeos 6 के साथ में कंफर्म हो चुका है 4 5G बैंड मिलेंगे, जो कि कहीं
कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है। यहाँ पर 8 से 10 तो 5G बैंड एटलीस्ट हर फोन के अंदर होनी चाहिए। लेकिन अगर बात करें बैटरी सेक्शन को लेकर तो आईकू नियो 6 थोड़ा सा आगे निकलेगा। 4700 mAh की बैटरी मिलती है और 200 mAh से कम बैटरी मिलती है नॉट 2T के अंदर, यानी 4500 mAh की बैटरी मिलती है। दोनों ही में सेम 80 वॉट के फास्ट वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। दोनों लगभग 30 से 32 मिनट के करीब फुल चार्ज हो जाएंगे। लेकिन भाई जहां पर बात आएगी ना, तो थोड़ा सा पावर इफिशियंट चिपसेट लगाया गया है OnePlus Nord 2T के अंदर, तो डेफिनेटली कह सकता हूं यहां पर बैटरी बैकअप अच्छा देने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आईकू नियो 6 के साथ में बहुत ही खराब बैटरी बैकअप मिलेगी। स्नैपड्रैगन 870 एक बकवास चिपसेट है। यहां पर मैं डेफिनेटली कह सकता हूं बैटरी सेक्शन में भी आईकू नियो 6 एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है थोड़ी ज्यादा बैटरी के साथ में, क्योंकि सेम चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन भाई दोनों ही फोन में अगर बात करें कैमरास को लेकर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सभी लोग वेट कर रहे थे कि भाई कैमरा किस फोन का अच्छा होने वाला है, तो डेफिनेटली एक वर्ड में बोलना चाहूंगा OnePlus। क्योंकि भाई OnePlus के बैक में ट्रिपल कैमरा लेंस मिलता है, आईकू नियो 6 में भी बैक में ट्रिपल कैमरा लेंस मिलता है। लेकिन OnePlus Nord 2T के बैक में जो कैमरास दिए गए वो काफी कमाल के हैं। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है, सोनी IMX766 वाला बड़ा वाला सेंसर देखने को मिलता है, अच्छा सेंसर है। और ये जो सेंसर है इसको ऑलरेडी हमने काफी सारे फोन के अंदर देख रखा है कितनी कमाल की इमेज क्वालिटी वीडियो क्वालिटी दे देता है। साथ में OIS मिलता है प्राइमरी लेंस में, इसके अलावा 8 का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 का मोनोक्रोम लेंस मिलता है। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है जो कि सोनी IMX615 वाले सेंसर के साथ में आता है। वहीं पर आईकू नियो 6 की बात करें तो यहां पर भी बैक में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिलता है। लेकिन भाई ये सैमसंग सेंसर होने वाला है, कंफर्म हो चुका है कि सैमसंग का GW1E वाला सेंसर होने वाला है। और गाइस यहां पर मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि ये थोड़ा सा पीछे हो जाएगा सोनी IMX766 से। हालांकि भाई आईकू ना सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन और इमेज प्रोसेसिंग काफी अच्छा करती है, आउटपुट काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। लेकिन डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि OnePlus Nord 2T का कैमरा थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। बाकी यहां पर भी 8 का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 का मैक्रो लेंस देखने को मिलता है, यहां पर 16 की सेल्फी मिलती है। तो अगर फ्रंट कैमरे की बात करो या फिर बैक कैमरे की बात करो, प्राइमरी लेंस जो होने वाले हैं ना, यहां पर डेफिनेटली कह सकता हूं OnePlus Nord 2T का थोड़ा अच्छा परफॉर्म करने वाला है। हालांकि आईकू नियो 6 के साथ में भी जो प्राइमरी लेंस है वहां पर OIS मिलता है, ये बताना मैंने भूल गया था। लेकिन भाई दोनों ही में 4K 30fps तक की रिकॉर्डिंग बैक से कर पाओगे, 1080p की रिकॉर्डिंग फ्रंट से कर पाओगे, ये चीज क्लियर कर देता हूं। लेकिन गाइस फाइनली अगर बात करें तो दोनों फोन में डुअल स्टूडियो स्पीकर सपोर्ट देखने को मिलता है, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस गेमिंग के टाइम पे दोनों फोन में अच्छा रहने वाला है। बाकी गाइस दोनों ही में 3.5mm का ऑडियो नहीं हेडफोन जैक नहीं मिल रहा है, जो कि इक्वल हो जाता है। बाकी गाइस फाइनली अगर बात करें कि भाई किस फोन को आपको चूज करना चाहिए, अगर अब तक आप कंफ्यूज हो एक वर्ड में ही बोल दूं, अगर आपको एक गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन ही बाय करना है, गेमिंग को लेकर थोड़ा सा भी टेंशन नहीं होना है, तो आईकू नियो 6 एक अच्छा ऑप्शन होता है। साथ में इस फोन की डिस्प्ले भी बहुत ही ज्यादा कमाल की हो जाती है और इसमें बैटरी ऑप्शन भी आपको अच्छा मिलता है। लेकिन भाई अगर आपको एक अच्छी ब्रांड वैल्यू चाहिए, OnePlus का ही फोन चाहिए, साथ में गाइस आपको यहां पर चाहिए OnePlus का ऑक्सीजन OS और अच्छा कैमरा, तो डेफिनेटली OnePlus Nord 2T एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। और ओवरऑल मैं बोल सकता हूं ठीक ठाक सा फोन है OnePlus Nord 2T, जहां पर किसी चीज के अंदर ना कोई बहुत बड़ी कमी नहीं मिलती है। लेकिन भाई आईकू नियो 6 में उनको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा हाईली जिनको गेमिंग करना है और जिनका मेन प्रायोरिटी गेमिंग और फोन का डिस्प्ले है। गाइस बस यार आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई और आपने एक फोन चूज कर लिया हो। नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सा फोन चूज किया है और बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं।